हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अब मैं जा रही हूँ, आज नाश्ता वगैरह हो गया है, अभी मैं जाऊँगी क्लास। क्लास से मैं वापस आ गई हूँ, अभी मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ लंच करने, अभी आप लोगों को चलो दिखाती हूँ हॉस्टल का लंच। ये पैडी स्ट्रॉ ऐसे रोल करके रखे हुए हैं। ये है रागी फील्ड, अभी मैच्योर हो गई है, हार्वेस्टिंग होने वाली है इसकी। ये दो तीन तीन चार पांच फील्ड में लगी है इसी के सामने। वो एक आदमी घास वगैरह काट रहा है इधर। अभी मैं इवनिंग में निकली हुई हूँ फील्ड में वॉकिंग करने के लिए। ऐसे चारों तरफ का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। ये बॉयज़ हॉस्टल का, ये बॉयज़ हॉस्टल, ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल है ये। और ये बहुत सारे पेड़ पौधे इधर लगे हुए हैं। ये है कोकोनट ऑर्चर्ड, यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट लगे हुए हैं। ये इस पेड़ में लगे हुए हैं येलो येलो कोकोनट। मोर बोल रहे हैं इधर पर, इस एरिया में मोर काफ़ी सारे रहते हैं। फल भी लग रहे हैं ये अभी अभी फरना शुरू हुआ है ये पेड़। ये फील्ड की अभी फ्लोइंग कर दी गई है अभी, बट धान लगेगा अभी। अभी ऐसे खाली पड़ा है, धान बाद में लगेगा। अभी जो अगस्त सितंबर वगैरह में अभी अभी वो क्या बोलते हैं, धान के बीज डाल दिए गए हैं पैडी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। वो जो वहाँ पर दिख रहा है दूर पे, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा अलग सा। मतलब ये एरिया धूप से कवर है, काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। रोड से वॉकिंग के लिए जा रही हूँ। ये यहाँ पक्षी वगैरह काफ़ी सारे बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की सोइंग कर दी गई है। ये भी हमारे कॉलेज का फील्ड है, बट मुझे नहीं पता किस चीज़ की सोइंग की गई है। यहाँ पर ये कुछ मदार के पेड़ लगे हुए हैं, ये और वो, इस एरिया में काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये कोई वीड है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, एक दो आदमी के बराबर होते हैं। और ये काफ़ी सुंदर लगते हैं जब खूब घने रहते हैं ऐसे। ये अभी हवा चल रही है, काफ़ी दूर तक ऐसे लगा हुआ है ये।
ये गन्ना जा रहा है इतना सारा लदा हुआ ट्रैक्टर में। एक ट्रैक्टर पे दो दो टाली। ये मलबरी पौधा लगा हुआ है, इसमें अभी वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह दी गई हुई है। ये यहाँ पर कोई मिलेट लगा हुआ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा मिलेट है। ये अभी अभी ग्रो कर रहा है। ये है ढेंचा मैन्योर, इसको इसको ऐसे बड़े हो जाते हैं फिर इसको खेत को जोत देते हैं तो फिर ये इससे खाद नेचुरल खाद तैयार हो जाती है। ये है शुगर कैन, ये है शुगर कैन। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा शुगर कैन और धान वगैरह ज़्यादा उगाया जाता है। यहाँ पर शुगर कैन हर मंथ कटते लगते उगते छोटे बड़े हर टाइप की शुगर कैन देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी काफ़ी बड़ा है, हमारे इधर ये शुगर कैन है। अभी एक बार इसकी कटिंग हो गई थी फिर दोबारा से वही उगे हैं। अभी ये 6-7 महीने बाद फिर कटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी तो ऐसे ही है ये। ये दिखा रही हूँ काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पर इकट्ठे लगे। उस साइड जो दूर दिख रहा है वह खाली एरिया दिख रहा है, उसके थोड़ा उस साइड भी गन्ना ही लगा है। ये उधर का थोड़ा और अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट, दोनों साइड मलबरी के पेड़ लगे हुए हैं। केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ से कुछ नई वैरायटी कुछ भी रिलीज होती है तो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दिखाया जाता है। ये है इधर व्हीकल स्टैंड है। क्रॉप इससे है, इससे पतले होने में हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये केवीके का फ्रंट पोर्शन है। पर बड़ी वाली बेर लगी है, अभी से फूल आ गए देखो। ये पैडी सीडलिंग ग्रो कर रही है, इतना बड़ा हो गया है। अभी 10 दिन बाद लगाने लायक हो जाएगी, फिर पैडी ट्रांसप्लांटिंग होगा। अभी मैं फिर से शुगर कैन फील्ड के पास आ गई हूँ। ये दूसरा फील्ड है, थोड़ा सा अलग प्रकार के, थोड़ा शुगर कैन भी है देख सकते हो जैसा कि आप लोग। बहुत प्यारे तरह से लहरा रहे हैं, रियल में देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये जैसा ये कोई फॉडर क्रॉप है। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन प्लेग्राउंड फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एंड ऑल। If you like my video, like, share, subscribe. Good night, bye.